और ये डाली 80 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। बाउंसर देखते ही फटकर चार हो गई है बाबर की चड्डी और अब जैसे तैसे करके बॉल को टच करके भाग चुके हैं रन लेने के लिए। और ये क्या, रोहित ने बॉल पकड़ के कर दिया है थ्रो और ये लगी बॉल सीधा विकेट में और ये लगी बॉल सीधा विकेट में और ये लगी बॉल सीधा विकेट में। बार्बर एक बात बताओ, अब इतने दिनों बाद पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने का सौभाग्य मिला है, क्या लगता है आपको कितनी बुरी तरह से हराएंगे आज आप? भाईजान शक्ल आपके बकरे जैसी है, कम से कम बातें तो ठीक कर ले, वो होंगे अपने घर में शेर, इंशाल्लाह यहाँ तो हम करेंगे उनको ढेर। बार्बर जैसे कि हम जानते हैं कि आपके अलावा पूरी टीम नल्ले और नकारों से भरी हुई है, तो कैसे जीतेंगे आप ऐसी टीम के साथ? किसने कहा आपसे कि हमारी टीम में नल्ले और नकारे हैं? हमारी टीम में एक से एक बेहतरीन दल्ले भी हैं। आज के मैच में देखना, इंशाल्लाह माशाल्लाह कर देंगे हमारे खिलाड़ी सबकी और आज का मैच हम ही जीतेंगे। भाईजान आ गए, भाईजान आ गए, भाईजान खाने के लिए लाए हैं भाईजान। मैं तो अंडे वाला बर्गर खाऊंगा और नल्ली निहारी खाऊंगा भाईजान। यहाँ तुम्हारे अब्बू का निकाह हो रहा है, जो तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करूं। उधर वो हरामजादे रिपोर्टर हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं और इधर तुम्हें अंडे वाला बर्गर खाना है। सबके सब साले ओदम बोदम है। ए अल्लाह, अब कैसे जीतूंगा मैं भारत से आज का मैच? स्वागत है आप सभी का आज के इस बाप बेटे के मैच में। जी हाँ, बाबर और रोहित दोनों पहुँच चुके हैं टॉस के लिए अंपायर के साथ। पर एक सेकेंड, ये अंपायर के ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। झूम बराबर झूम बराबर झूम। ओहो, अरे शर्मा जी के लड़के, आज क्या बात, बड़ा फिट लग रहा है, बड़ा पाव छोड़ दिए क्या? हम शर्मा जी के लड़के नहीं, बाबर हैं। बाबर बार्बर है तो बाल काटना, जा जाके मेरे लिए कुर्सी लेकर आ, इस बार अच्छे से काटियो। अबे ये बंदा है या गधा, इसको समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से वाले बाबर हैं। मैं कर रहा हूँ ISI वालों को फोन, वो उड़ाएंगे इसको टॉप से। ओह नो, जान दो जा यार, जान दो जा, जा मैं देखता हूँ। अंपायर साहब टॉस करवा लो जल्दी यार, फिर मैच के बाद हम दोनों बार में बैठेंगे। ये हुई ना बात, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और ये बाल काटने वाला बाबर। पर टॉस कैसे कराऊं, उस सिक्के से तो मैंने चकना ले लिया। अब ये देखो, मैं बता रहा हूँ पूरा ग्राउंड उड़वा दूंगा। शांत हो जा बाबर शांत। अंपायर साहब, दुनिया जानती है कि हमारा दिल कितना बड़ा है, इनको हमारी तरफ से पहले बैटिंग कराओ, अपने ही बच्चे हैं यार। तू मेरा भाई है शर्मे, चेयर। जी हाँ, पहले बैटिंग मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग पर आए हैं बाबर और फक फक करते हुए फकर। भाई जान भूख लग रही है, आपने अंडे वाला बर्गर नहीं लाके दिया, अब कैसे खेलूंगा मैं? Oh no! इसकी माँ का अंडे का बर्गर, जिंदगी खराब कर दी है इन्होंने मेरी। भाई तू ये मैच जितवा दे, अम्मी कसम आज शाम को बकरे की बिरयानी खिलवाऊंगा, वो भी जितनी तू बोलेगा। क्या बात कर रहे हो भाई, बिरयानी के लिए तो मैं अपने पड़ोसी को भी अब्बू बोल दूं। ये मैच तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, बाबा ने न जाने कौन से कलमे पड़ के कर दिया है, फकर बल्लेबाजी के लिए तैयार और भारत की तरफ से शाम के भाई शामी फुल खुन्नस में भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने के लिए और ये डाली 70 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर और ये फकर पहली बॉल पर फक फक करते हुए हो गए हैं बोल्ड। तू तो बिरयानी के लिए अपने पड़ोसी तक को अबू बोलने वाला था, अभी उस बिरयानी के लिए तुझसे रन नहीं मारे गए। भाईजान वो पड़ोसी को अबू मैं बिरयानी खाकर बोलता, बिना बिरयानी खाए मैं अपने अब्बू को भी अब्बू नहीं बोलता। अच्छा तो अब ये खा और ये ले और अब जा अगले बल्लेबाज को खाना खिला के भेजना। भाई खाने के लिए पैसे? ठीक है भाईजान, मैं उसको कल के ताजे ताजे चावल खिला के भेजता हूँ। फकर के आउट होने के बाद अब हैदर अली पतली गली से आते हुए बैटिंग करने के लिए और बार-बार फिर से कोई नया कलमा पढ़ते हुए। भाईजान मैं यहाँ संभाल लूंगा सब, बस तुम साथ में टिके रहना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भाईजान, ठीक है, आप संभाल लो।
गुमराह बॉल डालने के लिए तैयार और अब रोहित गुमराह को न जाने कौन सी गणित समझाते हुए। देख मैं बोल रहा हूँ कि ये बाउंसर पर कमजोर है, इसको बाउंसर मार, ये अभी आउट हो जाएगा। रोहित भाई आप समझे नहीं आप, मैं कौन? गुमराह मतलब कि यॉर्कर। अब देखो कैसे यॉर्कर मार के इसके अंडों का योग निकालता हूँ। गुमराह ने डाली गोटी गुम करने वाली स्पीड से यॉर्कर और ये बार्बर ने आगे बढ़कर घुमा दिया है बल्ला और ये लगा छक्का। जी हाँ छक्का। छक्का खाते ही गुमराह को रोहित ने खिसियाई कुत्ते वाले लुक दिए और अब रनिंग एंड पर हैदर भी कुछ बोलते हुए, शाबाश भाईजान, शाबाश, मैं यही हूँ, बाकी आप संभाल लो। पिछली बॉल पर छक्का खाने के बाद गुमराह पागल बैल की तरह भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने के लिए और ये डाली 80 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। बाउंसर देखते ही फटकर चार हो गई है बाबर की चड्डी और अब जैसे तैसे करके बॉल को टच करके भाग चुके हैं रन लेने के लिए। और ये क्या? ये तो बाबर आधी पिच में आ चुके हैं और देखते हैं कि रनिंग एंड पर हैदर अली बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेकर चैन की नींद सो गए हैं। हैदर उठ बूतनी के उठ, हैदर हरामजादे उठ। बाबर आवाज मारते रह गए और उधर रोहित ने बॉल पकड़ के कर दिया है थ्रो और ये लगी बॉल सीधा विकेट में बार बार होते हुए आउट। मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं खेल रहा, ये चीटिंग है, ये सारे झल्ले मेरे ही पल्ले कर दिए, गलत बात है। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान ने अपने रिवाज और इतिहास को कैसे कायम रखा है और अब 50 ओवर के बाद जैसे तैसे करके बना दिए हैं पाकिस्तान ने 350 रन। अब पाकिस्तान के सबसे खूनकार बॉलर शाहीन अफरीदी से पूछते हैं कि उनका क्या प्लानिंग है। इंता अल्लाह माता अल्लाह, आज का मैच तो अमित जीत कर लेंगे। तो क्या प्लानिंग है अफरीदी जी आपकी? कुछ नहीं, अभी मैच खत्म करके पेट बल के कानक खाऊंगा और अंधे वाला बलगल भी खाऊंगा। मेरा मतलब है कि मैच की क्या प्लानिंग है? वो तो मैंने बली खतरनाक प्लानिंग कर ली है, अब बस देखते दाओ, कहते मैं मैच जिताता हूँ। आज भारत के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलरों को इतना धोया, ना उनकी बजी बीन और ना ही बचा है सोया। वाह 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 वाह, शुक्रिया जी शुक्रिया। वाह वाह, क्या बैटिंग करी है लड़कों ने, वाह वाह। भारत को चाहिए सिर्फ 2 रन ये मैच जीतने के लिए, वो भी आखिरी 3 बॉलों पर, और बैटिंग पर संत 200 रन बना के कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में खड़े हैं अगली बॉल खेलने के लिए तैयार। देखो अंपायर, कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मैच जीतने के बाद मुझे शैंपेन चाहिए और वो भी ठंडी, पिछली बार गरम दे दी थी तुम लोगों ने। ओ बंटे की बोतल, हार्पिक के बोतल खरीदने की औकात नहीं है और पिएगा शैंपेन। बैटिंग पर फोकस कर ले, अगर आज मैच हार गए तो शैंपेन की जगह तू चाय की दुकान खोलेगा इस ग्राउंड के बाहर। और अब बॉलिंग पर शाहीन अफरीदी 400 रन खाने के बाद कप्तान से प्यार भरी बातें सुनते हुए। अफरीदी मियां, आज मेरा दिल खुश कर दिया आपने, अल्लाह कसम तुम हो तो बड़े मनुष्य आदमी, लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ती मैंने ताली प्लानिंग कर लकी है, अब दे तो, कहते मैं मैच जिताता हूँ। भाईजान वो तो मैं भावनाओं में थोड़ा इधर उधर भाग जाता हूँ, आप भी सीरियस हो जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों पे। भाईजान आज अगर आपने ये मैच नहीं जिताया तो सीरियस आपकी हालत हो जाएगी, बस अब ये 3 बॉल बची है, कैसे भी करके मैच जिता दो। पर भाईजान सुन तो लो, मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या ही उखा लूंगा, अल्लाह मेरी मदद कर मेरी। बालक हमारी डील भारत में रहने वाले मुसलमानों से हो गई है, तो अब तो तुम्हें हारना होगा। है क्या? 3 बॉल पर चाहिए अब सिर्फ 2 रन, फटी हुई दुकान लेकर भागते हुए आ रहे हैं शाहीन अफरीदी बॉल डालने के लिए और ये डाली 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल और बॉल गई है संत के कान के पास से उनका कान सुन करते हुए और ये बॉल मिस होती हुई। गलत बॉल डालता है और ऊपर से खुश होता है,
अब देख तेरी बॉल को इस ग्राउंड से क्या दूसरे प्लेनेट में बैठे हुए पर एलियन के पास नहीं पहुंचाई। ओह नो। तो मैं भी अपने पापा की औलाद नहीं। बेटे मेरे बेटे शांत, गुस्सा नहीं करते, चुपचाप बैटिंग पर फोकस करो। अगर मैच हारे तो बॉल की जगह तुम्हें उस एलियन के पास पहुंचा दूंगा, फिर उसके साथ मिलकर चाय की दुकान खोलना उसके प्लेनेट पर। पिछली बॉल तो जैसे तैसे करके मिस हो गई थी, अब इस बॉल पर क्या करूंगा मैं। इस बार तो संत और भी गुस्से में है। ए अल्लाह मदद, मदद कर अल्लाह। बालक मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अपनी दुकान के खुद जिम्मेदार हैं। दो बॉल पर चाहिए दो रन। शाइन खौफ में कांपते हुए भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने के लिए, और ये डाली 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल। बॉल तो लगी शाइन के पैर में और लगी कहीं ये बॉल कर संत का अपील। और ये क्या, ये तो अंपायर ने कर दी है उंगली और संत को जाना पड़ेगा पवेलियन। चीटिंग है, ये सब चीटिंग है, इतनी तेज बॉल कौन डालता है। अब आखिरी बॉल पर चाहिए दो रन जीतने के लिए, और रोहित बैटिंग पर बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ खेलने के लिए तैयार। और शाइन उतने ही हवा में उड़ते हुए संत को आउट करने के बाद और अब भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने के लिए। आखिरी बॉल पर दो रन, क्या रोहित दो रन बना पाएंगे। ये डाली शाइन ने 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और आगे बढ़ के घुमा दिया है बल्ला। बॉल जाती हुई हवा में नीचे सब खिलाड़ी भागते हुए उसको पकड़ने के लिए। आफरीदी खुद आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं बॉल पकड़ने के लिए, और यहाँ रोहित अब भी रन लेने के लिए भाग रहे हैं। संत को आउट किया, और अगर किसी और को भी आउट कर दिया ना तो मैच के बाद नियारी के साथ साथ पेट भर के बिरयानी भी मिलेगी। अब इसका कैश तो मैं ही पकड़ूंगा। जाओ जाओ सब, सबके सब बदो, ये मेरा अधिकार है। क्या आफरीदी कैच पकड़ पाएंगे। और ये क्या, ये तो आफरीदी ने छोड़ दिया है कैच, और बंदर से भी बुरी शक्ल बना ली है। ओ मनुष तोतले जल्दी बॉल फेंक। और ये आफरीदी ने डायरेक्ट मार दिया हिट। रोहित दूसरा रन लेने के लिए वापस आ रहे थे तभी बॉल लगी है विकेट पर। मुंह फाड़ के अपील। अंपायर ने काम चोरी दिखाते हुए थर्ड अंपायर का दिया है इशारा। थर्ड अंपायर अपना आलस हटा के मजबूरी में काम करते हुए, पूरे ग्राउंड में टेंशन का माहौल। क्या रोहित हो गए हैं आउट, या पाकिस्तान मैच जीत गया है। और ये क्या, ये तो अंपायर ने दे दिया है आउट का इशारा। इसी के साथ भारत ने जीत लिया है ये मैच, और यहाँ अफरीदी काफी व्यस्त दिख रहे हैं। सबसे पहले इस तोते का तोता तोड़ो, मारो बैंड के टके को।